लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। न्यू टाउन में एप बेस्ड पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम शुरू हुआ। राज्य के शहरी विकास और पालिका मामलों के मंत्री तथा कोलकाता नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन फरहाद हकीम ने इस परिसेवा की शुरुआत की। इस मौके पर न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन देवाशीष सेन, विधान नगर के पुलिस कमिश्नर मुकेश व अन्य मौजूद थे। मौके पर प्रशासक फरहाद हकीम ने कहा है कि साइकिल स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही यह समय की भी मांग है। उन्होंने अपने कोपेनहेगन दौरे का उल्लेख करते हुए कहा है कि यूरोप में अधिकांश स्थानों पर भारी संख्या में लोग साइकिल का उपयोग करते हैं। हालांकि यूरोप और यहाँ के मौसम में अंतर है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें समय के अनुसार नई प्रणाली को अपनाना होगा। নিয়ে চলে যাবো, তার জন্য একটা ভেঙে দিলাম, অ্যাপটাকে নষ্ট করে দিলাম, সাইকেলটাকে নিয়ে কিন্তু একটা সাইকেল নিয়ে যাওয়াটা বাড়িতে খুব বড় ব্যাপার না, পুরো উদ্যোগটা নষ্ট, অর্থাৎ সোসাইটিতে একটা ক্ষতি করে দেওয়া। এইটা মানুষকে সচেতন হতে হবে যে আমার নিজের একটা পার্সোনাল ছোট্ট গেনের জন্য আমি সোসাইটিকে ঠিক রাখার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগটাকে নষ্ট করলাম। এই পলিউশন করে আমার পরবর্তী জেনারেশন তাদেরও সুস্থ রাখার থেকে আমি বঞ্চিত করলাম। চালালাম যে সাঁতার আর সাইকেল যদি একবার চালানোর অভ্যাস থাকে, একটু মাঝখানে ব্যালেন্স হয়ে যায়, কিন্তু তারপরে আবার ঠিক হয়ে যায়। न्यू टाउन में एप बेस्ड पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम लॉन्च करने के मौके पर देवाशीष सिंह ने कहा है कि नवंबर महीने में यहां ई साइकिल की शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस ई साइकिल में एक छोटी बैटरी होगी, इससे ही साइकिल चलेंगी। बैटरी का चार्ज खत्म होने पर पैडल से भी चलाया जा सकेगा। एप बेस्ड पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा है कि यहां इसके लिए कुल 21 डॉकिंग स्टेशन बनेंगे। फिलहाल 5 बनकर तैयार हो चुके हैं। शुरुआत में 1-2 महीने के लिए प्रमोशन के तहत प्रथम आधे घंटे तक सेवा निःशुल्क है। उसके बाद से प्रत्येक आधे घंटे के लिए ₹5 देने होंगे। যদি আমরা সত্যি সত্যি গ্রিন সিটি গ্রিনের কথা বলি, তাহলে সাইকেল নিয়ে যতটা যাব ততটা আমাদের পলিউশন লেভেল কমবে, ততটা পেট্রোল ইউজটা কমবে। আমি বাইরেও দেখেছি, বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় মেনলি সাইকেল নিয়ে।